हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आज जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन भरा। नरेश कुमार का नामांकन भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वह भाजपा पृष्ठभूमि से है। दर्जी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र को नंबर एक पर ले जाना उनकी प्राथमिकता होगी। दर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने भाजपा से टिकट मांगा था। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अनदेखी भाजपा को हमीरपुर जिला में महंगी पड़ेगी। हम अपने जोर शोर से उठे हुए हैं और आगे बढ़े हैं, तो इसका जो लक्ष्य जो हमने सोचा वो उसका लक्ष्य का हल करके ही आगे चलेंगे और साथ में लोगों को लेके चलेंगे और जनता का विश्वास जीत के चलेंगे। और ये लक्ष्य हमने रखा हुआ है, गरीब जनता का उत्थान करना है हमने, हमीरपुर जिले को स्वर्ग बनाना है और जो कोई भी काम है उसको हमीरपुर जिले में नंबर एक पे लाना है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा मेरा बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी जो हमीरपुर जिले की दूर करनी है और साथ में जो लोगों की डिमांड है उनको पूरा करना है। और जो पेंशन वाले हैं लोगों का डिमांड है, मेन असली पेंशन वाली डिमांड जो है उसको भी अगर मैं विधानसभा में आता हूं तो उसको भी मैं लागू कराने की कोशिश करूंगा पूरे तन मन धन से।